वेलकम बैक टू एम एस इन्फोटेक। लैपटॉप ऑटोमेटिक बंद हो जाता है बीच बीच में चलते चलते, तो हीट सिंक हमारा ड्राई होने की वजह से हमारा हीटिंग होके बंद हो जाता है लैपटॉप। तो चलिए मैं हीट सिंक को चेंज करता हूँ, वीडियो में बने रहे। ये देख सकते हैं हमारा थर्मल पेस्ट है वो ड्राई हो चुका है, इसके वजह से हमारा हीटिंग होके हमारा लैपटॉप बंद हो रहा था। तो अभी इसको क्या करना है, इसको क्लीन करके फिर से हमारा दूसरा वाला हीट सिंक नया डालना है। तो चलिए मैं इसको एक बार क्लीन कर लेता हूँ, फिर दूसरा डालेंगे। ये रहा हमारा थर्मल पेस्ट, इसको मैंने क्लीन कर दिया। और ये हमारा ग्राफिक कार्ड का, इस पर भी इसको भी थोड़ा क्लीन कर देंगे। चलिए इतना अच्छे से तो क्लीन नहीं हुआ, क्लीन हो चुका है। अभी हम इस पर डालेंगे नया थर्मल पेस्ट। और ये देख सकते हैं हमारा हीट सिंक है, तो इसको भी क्लीन कर लेते हैं। इसमें भी लगा हुआ है हमारा, ये पुराना हो चुका है, तो इसको भी क्लीन कर लेना है अच्छे से। ये हमारा हो चुका है क्लीन, अभी डालेंगे नया। थर्मल पेस्ट मैंने नया डाल दिया है। और अभी इसको हीट सिंक को फैन को ऊपर से फिर से लगा देंगे जैसा था वैसा। ये देख सकते हैं मैंने हीट सिंक को सक्सेसफुल चेंज कर दिया है। और अभी मैं फैन को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, जो मैंने डिसकनेक्ट किया था। ये हमारा फैन कनेक्ट हो गया है, थोड़ा सा ब्रश भी मार देते हैं, यहाँ पे डस्टी थोड़ा दिख रहा है। ये हो गया हमारा मदरबोर्ड सर्विस, इसी को मदरबोर्ड सर्विस बोलते हैं। और सर्विस सेंटर में लेके जाएंगे तो अपने को इसका ही 1500 रुपये ले लेते हैं लोग सर्विस सेंटर वाले। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे थर्मल पेस्ट चेंज किया है, जो कि हमारा हीटिंग के वजह से, ओवर हीट हो जाने के वजह से हमारा लैपटॉप बीच बीच में चलते चलते बंद हो जाता है। हीटिंग दिया है, इसको ओपन करके फिर से ये अपना सीपीयू का जो थर्मल पेस्ट है उसको चेंज कर देना है, फिर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो मैंने इसको चेंज कर दिया है, चलिए अभी फिर से हम फिट कर देता हूँ और फिर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।